Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. My name is Muhammad Lali. I'm an author, a storyteller, a reactionist, and today we're gonna do another reaction video. पीछे से सेटअप थोड़ा प्यार लग रहा है ना, थोड़ी सी मेहनत हुई है। एक तो ये नया फ्रेम लगाया है मैंने, दूसरा ये RGB को मैंने वाइट किया, और वो वाइट से ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है। तो यार आज वो पूरा कलर आया था, इसका थोड़ा वाइट से ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है। एनी हाउ, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसको मैं देखा था पहले, ठीक है। दैट्स नॉट गोना बी एन कैंडिड रिएक्शन, बट उसका एक वजह है इस वीडियो को रिएक्ट करने का, ठीक है ना। उसके एक पीछे एक विजडम भी है, और विजडम आपको एंड पे पता चल जाएगी। टुडे आई एम गोना रिएक्ट टू बेस्ट लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीच इन उर्दू हिंदी बाय अली अहमद अवान। अली अहमद अवान, इफ यू डोंट नो, द डूड इज प्रिटी फेमस एंड रेलिवेंट इन दिस मोटिवेशनल सर्कल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। भाई ने टिकटॉक भी ली हुई है, ही इज़ अ डिसेंट डूड। मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात भी हुई हुई है, लिंक्डइन पे भी मेरा कनेक्शन है। इज़ अ डिसेंट डूड एंड ही इज़ डूइंग सही, अच्छा काम कर रहा है अपने डोमेन में, अपनी कैपेसिटी से। दैट बींग सेड, ये जो वीडियो है आज हम इस पर रिएक्ट करेंगे, और आई विल बी गिविंग माई व्यूज़, ठीक है ना, एंड माई ओपिनियन ऑन इट। अब वो ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव, अगले को अच्छा लगे या ना लगे, तो लेट्स रिएक्ट। होंगे लोग तुम्हारे साथ सेल्फी बनाएं, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना पसंद करें, तो अभी कुछ मुनफरिद इन्वेंट करो, क्योंकि दुनिया में बेशुमार चीजें अभी इन्वेंट की जाना बाकी हैं। करो तब जब दूसरे सो रहे हो, सीखो तब जब दूसरे पार्टी कर रहे हो, इन्वेस्ट करो तब जब दूसरे इन्वेस्ट करो तब कर रहे हो, और जियो तब जब दूसरे ख्वाब देख रहे हो। अपना काम जारी रखो तब तक जब तक तुम्हें अपना तारुफ ना करवाना पड़े, और कामयाबी हासिल करो तब तक जब तक तुम्हारा नाम इस दुनिया के अजीम तरीन लोगों में शामिल ना हो जाए। जंगों का इंतखाब सोच समझ के करो, क्योंकि तुम तो एक खास शख्स हो, और तुमने अपने फोकस को बरकरार रखना है। अगर तुम अपनी परेशानियों का सामना नहीं कर सकते, तो तुम कभी भी कामयाबी का सामना नहीं कर पाओगे। अपने मसाइल को हल करना सीखो, क्योंकि यही चीज तो सीखने वाली है। तौफीक तुम्हारी राह में रुकावटें डालेंगे, मगर तुम याद रखना कि तुमने घबराना नहीं है, क्योंकि दुनिया के अजीम तरीन सबक तो हमेशा बुरे वक्त में सीखे जाते हैं, और वो बुरा वक्त नो डाउट नो डाउट सबसे अच्छा वक्त बन जाता है। वो लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो तुम्हें कहते हैं कि प्रैक्टिकल होके सोचो, क्योंकि ख्वाब कभी भी प्रैक्टिकल होके नहीं सोचे जाते। इंसान को तो जिद कामयाब करती है, और वो शख्स हमेशा कामयाब होता है जो जमीनी हकाइक की परवाह नहीं करता। जितना तुम्हें खुद पे यकीन है, इससे ज्यादा तुम बहादुर हो। जितना तुम्हें लगता है, इससे कई गुना ज्यादा तुम स्मार्ट हो, क्योंकि तुम्हारा तो मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट है, मुख्तलिफ माइंड है, मुख्तलिफ एहसास है, मुख्तलिफ सोचे हैं। इसलिए इस दुनिया को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आप को मनवाओ और इस दुनिया पर छा जाओ। जन्नत को बाहर कहाँ ढूंढते हो? जन्नत तो तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस तुम्हें अपनी सलाहियतों को मनवाना है, और फिर देखो तुम क्या क्या अचीव करते हो। अचीव कर भैया, सही है। अपने वक्त को जाया करना बंद करो, और अपने ख्वाबों को पूरा करना शुरू करो। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। अच्छा जी, वीडियो खत्म हो गई। अगर मैंने कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर लिया तो उसके लिए माफ़ है, ठीक है। मैंने पहले कहा है, और रिस्पेक्ट टू द डूड जिसने ये वीडियो बनाई है। अब आते हैं वीडियो पे। मज़ा आया वीडियो का?
है ना, दिल कर रहा है कि मैं दुनिया फतह कर लूँ, मैं उखाड़ दूँ कुछ दुनिया का, है कुछ पुट दूँ। थिंग इज कि ना ये वीडियो और वीडियो बनाने का ना एक वो होता है, मोटिव होता है क्रिएटर का, एज अ क्रिएटर बात करूँ। इस तरह मैं एक एक्शन वीडियो करता हूँ, मेरे उसका वैल्यू ये होती है कि यार एंड पे ना और बीच में एक तो सी शुगर भी लगा देंगे, ठीक है, ताकि लोग मेरे साथ वो कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए, साथ साथ थोड़ी बहुत ही विजडम भी हल्की फुल्की या पर्सपेक्टिव भी शेयर कर देंगे। ये मेरा मकसद होता है रिएक्शन वीडियो का, ठीक है। इस तरह हर वीडियो का एक मकसद होता है। ये वीडियो भाई ने लिखी तो होती है ना मोटिवेशनल, मैं इसलिए आई एम सो अगेंस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड वीडियोज़, क्योंकि ये आपको सिर्फ डोपामाइन भेजते हैं। अब डोपामाइन नहीं पता आपको तो डोपामाइन को मैं क्या कहूँ, लेकिन डोपामाइन एक एडिक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम कहते हैं हैप्पी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। डोपामाइन और एड्रेनालिन रश दिमाग के दो हिस्से होते हैं, जो इस तरह की वीडियो देखने के बाद ना बड़े जागते हैं, बड़ा दिल करता है कुछ उखाड़ लो, लेकिन वो 20 मिनट नहीं गुजरते, तुस तुस, ठीक है। इसने वीडियो बनाने से क्या मकसद पाया है, ठीक, इसने मकसद क्या पूरा हुआ, मोटिवेट कोई हुआ, किसी ने बड़ी टेस्ला बना दी, नहीं प्लूटो पहुंच के लोग, नहीं कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, नहीं किताबें लिख ली, नहीं, उस वीडियो से क्या मकसद पूरा, फॉर द कंज्यूमर उसको डोपामाइन रश मिला, ठीक है, उसको डोपामाइन हिट मिला और एडिटिंग रश मिला, फॉर द मेकर उसको व्यूज मिले, यही है, ठीक है। एंड फॉर द कॉज वॉज और पीछे हुआ। द थिंग वाई आई एम अगेंस्ट मोटिवेशनल वीडियोज एंड स्पीकर इज के सेल्फ डेवलपमेंट एक बहुत प्यारी चीज़ है और एक बड़ी फर्ज है मोमेंट पे है, ठीक है ना, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ। लेकिन उसको ना ऐसे झुंझटों में डाल के वैसे ना उसने वीडियो बनाई है क्योंकि उसको पता मेरे व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं ये डोपामाइन हिट भेजूंगा, एडल रश भेजूंगा, लोगों को लोग देखेंगे, हाँ बेस्ट लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन वीडियो, ठीक है, मुझे वीडियोस मिलेंगे और लोग बेचारे इस तरह की बात सुनकर ना उनको मज़ा आता है, इस तरह की बात ना उनको मेक देम फील गुड अबाउट देम सेल्फ, हाँ यार बात ची की है, मैं कर सकता हूँ, जरा जरा तो मेरे अंदर, जरा तो मेरे अंदर, तो ये सीन है। कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, बिना मोमेंटम नहीं बनेगा, ठीक है, जो कि इस तरह का मैं बात करूँगा तो पर्सनल अटैक हो सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पर्सनल अटैक हो सकता है बंदे के लिए, बंदे पे, तो आई डोंट डोंट इनवेड हिज रिस्पेक्ट, इसीलिए आई एम जस्ट गोना लीव इट हियर। और अगली वीडियो में मैं अपने आप 2-3 साल पुरानी वीडियो पर एक्शन दूंगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।